नमस्कार दोस्तों, डीएचएफएफ अड्डा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हेमंत। भारत में कोरोना के हालातों को लेकर विदेशों में भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री को लेकर क्या कुछ चर्चाएं हो रही हैं, वो हम आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। कई नामी अखबार और मीडिया संस्थान विभिन्न तरीकों से भारत की स्थिति का आकलन कर रहे हैं। ब्रिटेन के अखबार द गार्डियन ने गुरुवार को आए कोरोना के मामलों को लेकर हेडलाइन दी है। हेडलाइन है, भारत में कोविड की लहर होती भयावह, 3,15,000 नए दैनिक मामलों का विश्व रिकॉर्ड। अखबार लिखता है कि अस्पताल में व्यवस्था चरमराने की कगार पर है और भारत में बीते 24 घंटों में 3,14,835 मामले पाए गए, जो कोरोना महामारी शुरू होने के बाद किसी भी देश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इसके साथ ही अखबार में लिखा गया है कि भारत में सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों की बाढ़ आ गई है। कोई अपने प्रियजनों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढ रहा है तो कोई अस्पताल के बेड का बंदोबस्त करने में जुटा हुआ है। इसमें आगे लिखा गया है कि अस्पतालों ने चेतावनी दे दी है कि वो इतनी मांग से निपट पाने में असमर्थ हैं। कई अस्पतालों ने तो कुछ घंटे की ऑक्सीजन बचे होने की घोषणा कर दी है। उधर साउथ कैरोलाइन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोगों की डिवीजन में असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि कृतिका कुप्पली ट्विटर पर लिखती हैं, भारत में कोविड-19 सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ढहने की कगार पर आ गई है। यही नहीं, इस अखबार ने बुधवार को नासिक में ऑक्सीजन न मिल पाने से 22 लोगों की मौत और पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि मनमोहन सिंह के कोविड से संक्रमित होने की खबर को भी अपने यहां जगह दी है। साथ ही उसने बताया है कि अब से पहले 2 जनवरी को अमेरिका में एक दिन में सबसे ज्यादा 3,03,10 मामले पाए गए थे, जो एक रिकॉर्ड था। गार्डियन ने विशेषज्ञों के हवाले से संक्रमण की वजह बताते हुए लिखा है, वायरस गायब हो गया है, यह गलत तरीके से समझते हुए सुरक्षा उपायों में बहुत जल्दी ढील दे दी गई। शादियां और बड़े त्योहारों को आयोजित करने की अनुमति दे दी गई थी और मोदी स्थानीय चुनावों में भीड़ भरी चुनावी रैलियां भी कर रहे थे। यही वजह है कि वायरस लगातार कंट्रोल से बाहर चला गया। विदेशी मीडिया संस्थान यानी कि अल जजीरा ने अपनी वेबसाइट पर खबर प्रकाशित की है, जिसमें बढ़ते संक्रमण के मामलों के लिए डबल म्यूटेंट और सुपर स्प्रेडर भीड़ को जिम्मेदार बताया है। उसने अपने अखबार के शीर्षक में लिखा है, भारत में दुनिया के सबसे अधिक दैनिक कोविड मामले, रिकॉर्ड मौतें। अल जजीरा लिखता है, बहुत सारे अस्पतालों ने बेड और दवा कम पड़ने की शिकायत की है, जबकि ऑक्सीजन की कमी खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। मरीजों के परिजन दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञों के हवाले से आगे लिखा गया, सर्दियों के दौरान जब वायरस नियंत्रित दिख रहा था तब भारत निश्चिंत हो गया और शादियां और त्योहारों जैसे बड़े कार्यक्रमों के लिए उसने परमिशन दे दी। स्थानीय चुनावों में भारी भीड़ रैलियों को संबोधित किया जा रहा है। हिंदू त्यौहार जिसमें लाखों लोग इकट्ठा होते हैं उसकी अनुमति भी देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद आलोचना का सामना अब कर रहे हैं। इसके अलावा अल जजीरा ने नासिक में 22 मरीजों की मौत, दिल्ली हाई कोर्ट के सरकार को ऑक्सीजन इंतजाम करने के निर्देशों के बारे में भी लिखा है। एक और समाचार एजेंसी है एपी। एपी ने भी अपनी रिपोर्ट में रिकॉर्ड दैनिक मामलों, ऑक्सीजन और बेड, नासिक में 22 लोगों की मौत और दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों को अपनी रिपोर्ट में जगह दे दी है। उसने शीर्षक लिखा, बेड ऑक्सीजन की कमी, भारत में 3,14,000 वायरस के मामले। इस रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, लॉकडाउन कड़े प्रतिबंधों के कारण नई दिल्ली और दूसरे शहरों में कई लोगों को डर, दुख और यातना का सामना करना पड़ रहा है। उधर पाकिस्तान की मीडिया ने भी भारत के कोरोना के हालातों को बयां किया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी भारत में रिकॉर्ड मामले मिलने को अपनी वेबसाइट पर जगह दे दी और शीर्षक लिखा है, परिस्थितियां बेहद गंभीर। अखबार ने लिखा है, सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर टीवी पर प्रसारित दृश्यों में दिख रहा है कि खाली सिलेंडरों को भरवाने के लिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। वो अस्पतालों में किसी भी तरह अपने परिजनों को बचाना चाहते हैं। रिपोर्ट में आगे लिखा गया है, प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले साल महामारी की शुरुआत में ही लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन कड़े प्रतिबंधों के वजह से अर्थव्यवस्था के असर को लेकर भी सावधान किया गया था। तो दोस्तों, ये थी विदेशी मीडिया में भारत की वर्तमान कोरोना को लेकर सच्चाई। आपकी इस पर क्या राय है,
कमेंट बॉक्स में आकर बताएं, अपनी राय हमसे साझा करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और HFF अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।